जी हाँ, काफी नाम चलने लग रहा है सलमान खान का डॉन 3 को लेकर। अगर आप देखें तो कल ही जब एक खबर आई तो मैंने बताया था कि फरहान अख्तर जो है अलग रिबूट करके उसको फिर से क्रिएट कर रहा है, और फिर जो है शाहरुख खान उस फिल्म को तो नहीं कर रहा है, वो जो भी है वो उस बारे में बात कर चुका, वाले वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें समझ में आ रहा था काफी रणवीर सिंह का नाम काफी ज्यादा चलने लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब रणवीर सिंह थोड़े नए एक्टर्स के रूप में हो जाते हैं। हालांकि नए एक्टर को लिया जा सकता है, नए मतलब एक तरह से यंग एक्टर को लिया जा सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आप सोशल मीडिया पर कल से ही अगर आप देखें तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि सलमान खान का नाम सबसे ज़्यादा चलने लग रहा है, और कहा जा रहा है कि सलमान खान रिबूट करेंगे, अब उसको डॉन को डॉन के किरदार में सलमान खान देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा देखने को मिलता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया होगा। हालांकि वैसे चांसेस तो काफ़ी कम है अगर मेरे नज़रिए से बात किया, मैं जो कहूँ देखिए सोशल मीडिया पर फैंस है तो वो उस तरह की बात करते हैं, वो देखना चाहते तो वो रहता है। धूम 4 में भी हमेशा नाम सुनते रहते हैं सलमान खान का, धूम 4 में भी ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखें तो डॉन 3 में नाम चलने तो लग रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि डॉन 3 सलमान खान करते हुए नहीं नजर आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है वो खुद भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात अगर आप देखें तो मुझे लगता है आपको यंग एक्टर ही देखने को मिलेगा। यंग एक्टर्स में अगर आप देखें तो रणबीर कपूर, रणवीर सिंह ऐसे एक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कार्तिक आर्यन नाम भी ले रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि भैया माफ़ी करो अगर कार्तिक आर्यन है तो भाई फिर डॉन को बंद कर दो, डब्बा बंद कर दो, और उसको कहना ताला वाला डाल के कहीं छोड़ाओ समुद्र में, मत बनाओ उसे, ऐसा ऐसा एहसान मत करना दर्शकों के साथ, ना अत्याचार मत करना कार्तिक आर्यन को लेकर, तो ऐसा मत करना, तो वो आदमी तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। खैर अगर बात करें तो मुझे लगता है कोई यंग एक्टर देखने को मिल सकता है, अब जैसे सुशांत तो रोहिणी लवाना, सुशांत भी शायद हो सकता था डॉन के करेक्टर में देखने को मिल सकते थे। लेकिन देखने वाली बात होगी करंट वक्त में अगर आप बात करें यंग एक्टर्स में, तो यंग एक्टर्स में सबसे ज़्यादा नाम रणवीर सिंह का ही चल रहा है, क्योंकि बीच में भी उनका नाम सुनने को मिला था जब बच्चन साहब और जो शाहरुख खान और रणवीर सिंह ऐसे तीन अलग अलग जनरेशन गैप के साथ में तीन अलग अलग मल्टीवर्स के स्टाइल में डॉन देखने को मिलने था, ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। हालांकि मज़ा आएगा, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है डॉन 3 को लेकर, नई नई न्यूज़ आ रही है, और मतलब कन्फर्मेशन वाली न्यूज़ें आ रही, नई नई ऑफिशियल, और कुछ भी हो सक रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मज़ा आएगा सुन के डॉन की अगली अपडेट्स भी जानने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये तो तय मानिए कि सलमान खान करते हुए नहीं नज़र आ रहा है डॉन 3।